नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूँ अशोक वानखड़े। फिर लाया हूँ खबर के पीछे की खबर। खबर ये है, अमेरिका में फेसबुक का डाटा चोरी होने के मामले को लेकर भारत में कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। आरोप है कि एनालिटिका ने फेसबुक का डाटा चोरी कर अमेरिकी मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया। इस गलती के लिए फेसबुक को विश्व के सभी देश लताड़ रहे हैं। हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर ने भी फेसबुक को वार्निंग दी है। उन्होंने चेताया है कि यदि फेसबुक ऐसी कोई गलती भारतीय चुनाव को प्रभावित करने में करती है तो फेसबुक के जो मालिक है मार्क जकरबर्ग, उन्हें भारत तलब किया जा सकता है और उन पर कार्यवाही की जा सकती है। रविशंकर ने यह भी आरोप लगाया है कि 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस ने रिसर्च फर्म एनालिटिका का उपयोग किया, उनकी सेवाएं ली थी। दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, हमने कभी भी रिसर्च फर्म एनालिटिका की सेवाएं नहीं ली। लेकिन कांग्रेस ने भी आरोप लगाए कि बीजेपी के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड ने 2010 के चुनाव में इसी कंपनी की सेवाएं ली थी और मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी 3-3 राज्यों में इस विवादित कंपनी की सेवाएं ली है। खबर के पीछे की खबर यह है, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और देश के मतदाता भ्रमित है। यदि 2014 के लोकसभा चुनाव में वाकई कांग्रेस ने इस डाटा चोर कंपनी की सेवाएं ली होती तो फिर सरकार ने अभी तक उस कंपनी के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की? और यदि भारतीय जनता पार्टी ने इस विवादित कंपनी की सेवाएं ली है तो फिर कांग्रेस पे आरोप क्यों? कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि विवादित फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका का अपने देश के एक कंपनी के साथ भागीदारी है और वो कंपनी है ओएलएन बिजनेस इंटेलिजेंस। इस कंपनी के मुखिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मित्र और जनता दल यूनाइटेड के सांसद केसी त्यागी के बेटे हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चलते रहेंगे, लेकिन इस देश का आम आदमी रविशंकर जी को ये सवाल जरूर पूछ रहा है, आप फेसबुक के मालिक को तो तब तलब करेंगे जब वो कोई गलती करेंगे, लेकिन यहाँ करोड़ों रुपए का चूना लगा के जो उद्योगपति भाग गए हैं नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे, उनको आप कब ले आएंगे? हमारे देश के जो मुजरिम हैं पहले उन्हें तो लाइए, फिर कोई गलती करे तो उसको ले आने की बात बाद में करे। यह खबर के पीछे की खबर, देखते रहिए धोबी घाट।